व्हाट्सअप गाइज, तुषार हेयर। वेलकम टू स्मार्ट बेकर्स। गाइज, आज हम अपने किचन में बनाएंगे एक डिलीशियस सा ट्रफल पुडिंग केक। आपने पहले ट्रफल केक खाया होगा, ट्रफल पेस्ट्री भी खाई होगी, लेकिन आज आप ट्राई कीजिए ट्रफल पुडिंग केक। ये घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। केक टिन के अंदर ही ये तैयार हो जाता है और इसके लिए कुछ ज़्यादा डेकोरेशंस की भी हमें ज़रूरत नहीं होती। तो ट्रफल पुडिंग केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है। इस बाउल में हम डालेंगे 1/4 कप दही, 2/4 डालने के साथ साथ इसमें हम डालेंगे 1/4 कप आइसिंग शुगर। आप किसी भी चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम इसे आइसिंग शुगर को दही में अच्छे से मिक्स करना है। बिल्कुल भी आइसिंग शुगर के लम्स दही में नहीं रहने चाहिए, हमें अच्छे से इसे फेंटना है। जब ये मिक्स हो जाए इसमें हम डालेंगे 1/8 कप रिफाइंड ऑयल। आप कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा, क्योंकि ऑयल थोड़ा सा दही में मिक्स होने में टाइम ले लेता है। तो लीजिए, हमारा ये ऑयल मिक्स हो चुका है। तो इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें 1/8 कप मिल्क। यहाँ पर मैं मिल्क 3 बार डालूँगा, अभी हमने ये पहली बार डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा। फिर इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर 1/2 + 1/8 कप ऑल पर्पस फ्लोर। अब हमको मैदे को अच्छे से मिक्स करना है। इतना मिक्स हो जाने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर। फिर इसे मिक्स करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे 1/8 कप मिल्क दोबारा से। अच्छे से मिक्स कीजिएगा। अभी स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/8 टीस्पून सॉल्ट। अभी 3 चीज़ें हमें डाल के इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए इस तरीके से। जब इतना मिक्स हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 1/8 कप मिल्क दोबारा से। ये हमने तीसरी बार भी डाल दिया और अब हमारा एक स्मूथ बैटर तैयार होने वाला है। हिलाते रहिएगा अच्छे से जब तक आपको लगे कि इसके लम्स ख़त्म हो रहे हैं। तो इतना हिल जाने के बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए यहाँ तक हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे लास्ट में 1/2 टीस्पून विनेगर। यहाँ पर मैंने वाइट विनेगर यूज़ किया है और हमें अब हमको इसे स्पैचुला की हेल्प से मिक्स करना है। कट एंड फोल्ड कर दीजिए, ये विनेगर पूरे बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये लीजिए, अब यहाँ पर मैंने एक केक टिन में बटर पेपर लगा के इसे तैयार कर लिया था। अब अपना ये बैटर इसमें मैं डाल दूँगा। अच्छे से कंप्लीट बैटर इस केक टिन में डाल दीजिएगा। अब इसे 3 से 4 बार टैप कर दीजिए ताकि एयर बबल्स जो भी हो निकल जाएं। और यहाँ पर मैंने एक बर्तन में नमक गर्म होने के लिए रख दिया था और उसमें स्टैंड रख दिया है। और अब हम केक टिन को इसमें रख देंगे और इसे थोड़ा सेंटर में कर देंगे ताकि बिल्कुल समान रूप से फैले हर जगह से। और अभी इसे हम ढक करके लो फ्लेम पर पकाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर 40 मिनट तक इसे पकाएंगे। और 40 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारा केक बनकर तैयार है। काफ़ी परफेक्ट बना है, अच्छे से ये फूल भी गया है। अब हम इसमें टूथपिक लगा कर देखें तो क्लीन आ रहा है, मतलब हमारा ये बैटर बिल्कुल रेडी है, सॉरी केक बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे 1 घंटे के लिए। इसे ऐसे छोड़ दीजिए, जब ये ठंडा हो जाए तो इसे टिन में से बाहर निकाल लेंगे। देख सकते हैं आप, हमारा आसानी से बाहर निकल गया क्योंकि हमने बटर पेपर लगाया था। साइड से बटर पेपर हम हटा लेंगे। ये देखिए हमारा साइड से भी परफेक्टली बेक हो चुका है ये केक।
इसी तरह का हमें ये बेस चाहिए था। तो अब हमने इसे अच्छे से ठंडा कर लिया है, तो इतने वो ठंडा हो रहा है और, तो हम अपनी क्रीम की तैयारी कर लेते हैं चॉकलेट गनाश की। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर हाफ कप व्हिपिंग क्रीम ले ली है और इसे मैं एक मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लूँगा। माइक्रोवेव करने के बाद इसमें हम डालेंगे एक कप डार्क कंपाउंड चॉकलेट, इसे अच्छे से हमें अभी मिक्स करना है क्योंकि जो हमारी व्हिपिंग क्रीम है वो अभी गर्म है, तो ये चॉकलेट आसानी से इसमें मिक्स होती जाएगी और मेल्ट होती जाएगी, एक स्मूथ सा चॉकलेटी गनाश तैयार हो जाएगा। हिलाते रहिएगा तो इस तरीके का एक स्मूथ गनाश हमारा रेडी हो जाएगा। ये देखिए, अब हम इसे एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, आप आधा घंटा भी रख सकते हैं, मैंने आधा घंटा रखा था यहाँ पर, देख लीजिएगा। अगर आपका आधे घंटे में इतना सेट हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप एक घंटा रख लीजिएगा। मेरा ये तकरीबन आधे घंटे में सेट हो चुका था। अब हम करेंगे अपने केक की आइसिंग। तो केक को मैंने 3 लेयर्स में कट कर लिया था, इस तरीके से आराम से आप 3 लेयर्स में कट कर सकेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम अपनी फर्स्ट लेयर पर चॉकलेट गनाश स्प्रेड करेंगे, अच्छे से इसे फैलाएंगे। अब हम क्यों क्या करना है, इसे दबाव दे देकर फैलाना है, इसका रीज़न अभी बताऊंगा क्यों। फिर से चॉकलेट गनाश स्प्रेड करेंगे दूसरी लेयर पर, और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। आप चॉकलेट ही गनाश थोड़ा टाइट ही यूज़ कीजिएगा क्योंकि हमें पुडिंग बना रहे हैं, हम केक नहीं बना रहे। तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा टाइट चॉकलेट गनाश यूज़ किया है। और अब लास्ट लेयर भी रख देंगे, इस पर भी हम अपनी गनाश डालेंगे, अच्छे से फैलाना है इसको भी हमें। ये देखिए, फिर मैं साइडों से भी पहले गनाश लगा लूँगा। अब क्या कीजिए, इसे दबा दबा के आप बिल्कुल मैश कर लीजिए। तभी मैंने कहा था कि हम चॉकलेट गनाश को एकदम से दबा दबा के डालेंगे क्योंकि हम पुडिंग बना रहे हैं, तो हमें क्या है उसे चॉकलेट गनाश को इसके बेस में अच्छे से मिक्स करना है। अगर हम इसे हाथ से तोड़ते तो वो वाला मज़ा नहीं आता, इसीलिए हमने इसे स्पैचुला की हेल्प से दबा दबा कर मैश किया है। जब इतना मैश हो जाए तो हम इसे अपना केक टिन में डाल लेंगे। इस पूरे केक को हम केक टिन में शिफ्ट कर देंगे चारों तरफ से, अभी हमें इसे फैलाना भी है। इस तरीके से स्पैचुला की हेल्प से डाल दीजिए और इसे अच्छे से फैला दीजिए। ये देखिए इस तरीके से। अब थोड़ी सी मैंने यहाँ पर मेल्टेड चॉकलेट ले ली है, वो भी एक गनाश की ही थी, जो अपना गनाश तैयार हुआ था तो उसे थोड़ा सा और मेल्ट कर लिया और इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। इस तरीके से ये हमारी हो रही है, इसको दे रहे हैं हम फाइनल लुक। लास्ट में हम डेकोरेशन के लिए कुछ चोको चिप्स डाल देंगे, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप लेयर्स के बीच में भी डाल सकते हैं। तो लीजिए, हमारा ये ट्रफल पुडिंग केक बिल्कुल रेडी है ना, बहुत इजी, तो आप भी आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, एक बार फिर मिलते हैं नए वीडियो में।